फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज लाई हूँ सत्तू के पराठे और उसके साथ एक मज़ेदार सा रायता। ये दोनों तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और सत्तू के पराठे तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी के लोग होते हैं वो जनरली जानते होंगे कि सत्तू क्या होता है। ये पराठे थोड़ा सा हैवी भी होते हैं, यदि हम सफ़र वगैरह में जाते हैं तो ये ज़रूर बना के लेके जाइए। एक दो खा लेते तो पेट भर जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए, इसकी फिलिंग के लिए हम सब्ज़ियाँ काट लेते हैं। तो मैंने एक प्याज महीन काट लिया है, अदरक काट लिया है, महीन काटना है इसको, और लहसुन काट लिया है, 5 से 6 लहसुन काटा है, और धनिया पत्ती और एक मिर्च, मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब चलिए एक डो तैयार कर लेते हैं। पहले तो मैंने 1.5 कप आटा लिया है, में नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अजवाइन डाली, अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके ही डालिए, स्वाद बहुत अच्छा आता है, और 1 चम्मच तेल डाला है, और एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और डो ज़्यादा ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना सॉफ्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा। रोटी का कितना सॉफ्ट होता है और पूरी का थोड़ा हार्ड होता है, नहीं ये थोड़ा सा मीडियम ही रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा मीडियम डो तैयार किया है, और हम इसको अभी 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ढककर। मैंने डो तो लगा दिया है, अब हम बनाते हैं इसकी फिलिंग के लिए मसाला। तो मैंने 1 कप ये सत्तू का आटा लिया है। ये जनरली जो भुंजे हुए चने होते हैं ना, उनका बनाया जाता है। मैं तो घर से ही लाती हूँ, यहाँ प्रिपरेशन नहीं करती हूँ इसकी। और ये जो गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसके बाद हमने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं, आज लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती और नमक। इसके बाद अजवाइन भी हमें क्रश करके डालना है, और ये कलौंजी डाल ली है, और इसके बाद हमें 1 चम्मच भुंजा हुआ जीरा डालेंगे, और आधा नींबू डालेंगे। ये नींबू डाल दिया, इसके बाद हमें डालना है 1 चम्मच तेल डालना है, और इसका मेन इंग्रेडिएंट है हमारा जो अचार होता है ना, उसका मसाला। ये आप ज़रूर डालिए, इसको स्किप मत करिए। तो मैंने 1 चम्मच लगभग अचार डाला है, अचार का मसाला डाला है। ये बहुत अच्छा टेस्ट खिल के आता है, आप इसको स्किप मत करें, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट यही होता है। जैसे हम लिट्टी चोखा बनाते हैं तो उसमें भी ये सेम अचार डलता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है ये मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि इसका जो मसाला होता है ना, वो थोड़ा सा भुरभुरा ही होता है। तो ये इसको ज़्यादा टाइट मत करिए, पानी डाल के थोड़ा सा ही पानी डालिए। इस तरीके से देखिए, हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं रायता। तो मैंने 1 कटोरी दही लिया है, घर का ही दही है, और 1 कटोरी पानी डाला है। पहले हम इसको अच्छे से मथाने से फेट लेंगे। वैसे भी रायते और पराठे का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और गर्मियों में तो हमें दही, छाछ, रायता तो ज़रूर पीना ही चाहिए। तो ये देखिए, मैं रायता फेट लिया है अच्छे से मथाने से, और हमें थोड़ा सा और पानी डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहेगी। इसके बाद हमने काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा भुंजा हुआ घर का ही है, और हमने बूंदी डाल दी। अब हम जाएंगे तड़के की तरफ। तो हमने 1 चम्मच भर के इसमें जीरा डाला, हींग डाली, और मेथी दाना 5 से 6 मेथी डाला डालें, और कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें तड़का दे दिया, ये देखिए बहुत अच्छा टेस्टी तड़का बन के तैयार होता है। यदि आप मेथी दाना डालेंगे, जनरली लोग डालते नहीं हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो इससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट बन आता है। चलिए, हमारा रायता तैयार हो गया है। चलिए अब हम पराठा बना लेंगे। तो मैंने एक लोई ली है, और इसको हाथों की सहायता से इस तरीके से कर लिया, और 1 चम्मच भर के मसाला डाला है जो हमने सत्तू का मसाला बनाया था। और आप इस तरीके से इसको अच्छे से सील कीजिए, नहीं तो फिर मसाला जो है ना बाहर आ जाता है। ये सील ना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये देखिए, मैंने अच्छे से कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा आटा डाला है, और हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये पराठे ना आप बच्चों को स्कूल टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। ये पराठे अच्छे होते हैं, हैवी होते हैं, थोड़ा सा पेट भरा रहता है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप बना के ले जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने बेल लिया है, ना मोटा रहा है ना थोड़ा सा पतला है, मीडियम ही रहेगा। और हमें इसको सेकने का क्या है कि पहले हम दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे, फिर इसमें हमें घी या तेल लगाएंगे। मैं तेल से सेक रही हूँ, और इसका फ्लेम हाई रखना है। कुछ लोग क्या होता है कि कच्चे रह जाते हैं पराठे, मीन्स कच्चे कच्चे से दिखते हैं, लेकिन आप इसको हाई फ्लेम में सेकेंगे तो इसमें कच्चे नहीं रहेंगे, और बहुत अच्छे सेक के तैयार होते हैं। देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं ना। मीडियम जो फ्लेम है ना, उसका मीडियम मत करिए, ना स्लो करिए, थोड़ा सा हाई रखिए, जैसे कि बहुत अच्छे से सेक जाते हैं। देखिए कितने अच्छे तैयार हुए हैं। और ये देखिए, हमारा बूंदी का रायता और पराठे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मोर रेसिपीज़ के मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।